गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा थोड़ा सारा सिलेबस हो गया है आज। बेटा थोड़ा रिवीजन टेस्ट है, ठीक है? पंजाबी का रिवीजन टेस्ट है और रिवाइज करांगे, ठीक है? पहला चैप्टर, ठीक है, कविता दे चैप्टर। कविता केड़ी आनी है? जय भारत माता ते कहानी है प्रेमी दे न्याणे ते बाकी ग्रामर, ठीक है? जय भारत माता कविता किसकी लिखी हुई है? शिव कुमार बटालवी दी, ठीक है? सब तो पहला दो कविताओं दे राइटर दे हूं तो याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि राइटर का नेम तुझे केंद्रीय भाव च लिखना है, वन मार्क्स क्वेश्चन विच भी आ सकता है, कावन शक्ति, ठीक है? इसके दोनों कविताओं के कवि ने नेम जरूर लर्न होने चाहिए। जय भारत माता कविता किसे लिखी है? शिव कुमार बटालवी। बेटा मैं नोटबुक चेक की थी, काफी बच्चों ने कवि ने नेम ही गलत लिखे हुए हैं। कवि ने स्पेलिंग गलत लिख दिया, वो भी ना सिहारी पा, देखो कवि ने स्पेलिंग वो भी बिहारी है, ठीक है? ध्यान रखना स्पेलिंग देखने का, वो बिहारी कवि, ठीक है? जय भारत माता कविता किसने लिखी है? शिव कुमार बटालवी दी। इस कविता दे विच बेटा कवि ने, ठीक है, इस कविता दे विच कवि ने सिखा दे, इस कविता दे विच कवि ने सिखा दे इतिहास दे बारे दसिया है, ठीक है? बीते समय दे इतिहास बारे दसिया है कि किस तरह साडे देश नू आजादी, ठीक है, शहीदां दे लहू नाल मिली। कवि भारत दी जय जयकार कर रहा है, किसकी जय जयकार कर रहा है? जय जयकार कर रहा है। इस कविता विच कवि ने कुछ थावां का जिक्र किया है, वो केड़ी थावां हन, ठीक है? हल्दी घाटी की जगह आई है, हल्दी घाटी की है बेटा, इतों की इंपोर्टेंस है। हल्दी घाटी की मिट्टी की है, पीली मिट्टी है, मिट्टी की है, पीली मिट्टी है। तो इतने जेड़ा कि बहुत जेड़ा कि एक युद्ध होया सी। इस तो अलावा सोमनाथ दे मंदिर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर की है सब तो पुराना प्राचीन मंदिर है, ठीक है, जो सूर्य मंदिर के नाम नाल प्रसिद्ध है। इस कविता कवि भारत की जय जयकार कर रहा है, ते कह रहा है कि भारत की गाथा है, कहानी, गाथा शब्द के लिए आया कहानी ले, ठीक है? कविता है तो कावच विच वर्ड मीनिंग भी आ सकते हैं, ठीक है? गाथा की है कहानी, कवि की है भारत दे जिहड़ी की है गाथा सुना रहा है। भारत की गाथा कि लिखी गई? कहानी शहीदां दे लहू नाल लिखी गई है। ये गाथा जी बड़ी ही लंबी है, ठीक है, लहुआ दे संग लिखी गई अनक तेरे दी लंबी गाथा, भाव कि भारत की गैरत दी स्वाभिमान जी की गाथा है। बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी, ठीक है, लॉन्ग है। हल्दी घाटी सोमनाथ, जी हल्दी घाटी है, सोमनाथ के मंदिर है जिहड़े की है, ये सब तो प्राचीन ते पुराने थावां हन। इस तो अलावा कवि ने राजपूतानी खंडरा की गल की, जो पहला जिहड़े की बहुत वधिया हुंदे सन, पर जो की बन गए खंडर, बन गए खत्म हो गया, ठीक है? वो भारत की कि गल सुना रहे हैं, राजपूतानी खंडर दुखां की गल सुना रहे हैं। इस तो अलावा बेटा इस कविता दे विच सिकंदर दे बारे दस्या है, सिकंदर जो पूरी दुनिया नू जीतन दा सुपना लेके आया सी, पूरी दुनिया नू जीत के ही जाना है, पर खीर ते खाली हथ गया, ते उसनू ब्यास नदी दे किनारे तो खाली हथ वापस मुड़ना, भाव की हार, उसकी हार हुई सी कितने, ब्यास नदी दे किनारे तो। फिर कवि ने इस कविता विच जलियां वाले बाग की गल की है, ठीक है, जलियां वाले बाग की गल की, किसकी कहानी अमर है? जलियां वाले बाग की कहानी अमर है, ठीक है? जलियां वाले बाग दी की बेटा कहानी है। इस दिन के विसाखी वाले दिन जनरल डायर ने इत्थे बेटा निहत्थे लोगों ते गोलियां चलाने का हुक्म देता सी, जिस करके बेटा काफी लोग शहीद हो गए, कईयां ने अपनी जाना बचाने लिए खूहां दे विच छाला मार दित्तियां, ठीक है? इसलिए इसकी कहानी की है अमर है, अमर हुंदा जो कदी ना मरे। फिर बेटा इस तो अलावा कवि ने इसे महान, ठीक है, महान औरतों की गल की है, झांसी रानी गल की है। झांसी की राणी बेटा लड़ाई दे मैदान दे विच चंडी बन के लड़ी सी, दुर्गा बन के लड़ी सी, ठीक है, बड़ी बहादुरी नाल लड़ी सी, क्योंकि बेटा अंग्रेजा ने उसका हक मार लिया सी, उन्हें अपना पुत्र किसी गोद लिया होया सी, ते अंग्रेजा ने कहता कि तेरा जेड़ा पुत्र है गोद लिया होया है उन्होंने असी जेड़ा राजा स्वीकार नहीं करना, ठीक है, इसलिए उसका राजपाट सारा अपने विच मिलान की कोशिश की। झांसी की राणी ने बेटा दुर्गा बन के लड़ाई के मैदान विच लड़ी सी। इस तो अलावा इस कविता कवि ने जेड़ा कि गदरी बाबिया की गल की है, कामा काटा मारू की गल की है। कामा काटा मारू की है बेटा, जो क्वेश्चन आए एक जापानी जहाज है, कामा काटा मारू की एक जहाज का नाम है, ठीक है? जो क्वेश्चन आए ना कामा काटा मारू किसका नाम है, तुम लिखोगे एक जापानी जहाज का नाम है जो बेटा बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदया सी, ठीक है? इस जहाज ने भी जेड़ा की आजादी लड़ाई दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया सी, ते काफी लोग शहीद हो गए सी। इस अलावा बेटा गदरी बाबिया की गल आई है, ठीक है, गदर अंदोलन चलाया सी बाबा गुरदीप सिंह ने, ठीक
ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਦੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੰਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਭਾਤ ਮਾਤਾ ਲਿਖੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ। ਕਵੀ ਕਿਸਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਪੂਤਾਨੀ ਖੰਡਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰ ਹੈ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਝਾਂਸੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਸੀ ਚੰਡੀ ਵੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰੰਡੀ ਕੀਤਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲਾਜਪਤ ਵਰਡ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਜਪਤ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਇਆ ਜੇ ਲਾਜਪਤ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਆਈ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੈ ਭਾਤਮਾ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪੇਮੀ ਮਤਲਬ ਨਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪੇਮੀ ਕਿਸੀ ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਭਾਵ ਕਿ ਪੇਮੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਕੀ ਸੀ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ 7 ਕੁ ਵਰੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਲੇਖਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਾ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭੈ ਸਾਗਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਪਠਾਣਾ ਰਾਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੜਕ ਕੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਰਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਰਕ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਰਕ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਸੀ, ਨਰਕ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਲੇਖਕ ਲਈ ਨਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਦਰਸੇ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਰਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਜੇ ਖੇਤ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਨਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਦਰਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸਵਰਗ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ? ਨਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ, ਖੇਡਣਾ ਦੇ ਖੇਤ, ਸਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਿਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਦਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਾਸ਼ਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਪਠਾਣੀ ਸੂਟ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਦਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾੜੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਸ਼ਾ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋ
ना जो राशा फड़ेगा तो आप की कहेंगे, आप की हाँ पेमी रे न्याणे हाँ। ठीक है, वो की कह रहे सी कि असी की कहोगे, कीर्तन लिखी गया कीर्ते। ठीक है, असी प्रेमी दे न्याणे आ सानू ना फड़। ठीक है, इस तरह बच्चिया ने प्रेमी दे न्याणे कह के सड़क पार कर ली, भाव कि बच्चिया के लिए रब तो उच्चा दर्जा भी कि होंगे माँ का होंगे होंगे ना। ठीक है, ते बच्चे जो अपनी माँ के कोल होंगे है, माँ की गोदी में होंगे है। ठीक है, उन्होंने सिर पर माँ का जोड़ा कि आसरा होंगे, तो उन्होंने किसी किसी का डर चिंता नहीं होंगी। ठीक है, भाव कि जो भी किसी बच्चे को माँ होंगी है, तो उन्होंने किसी किसी का कोई डर चिंता नहीं होंगी। इस कहानी तो सू जी की उन्होंने संदेश दिता है, सिक्ख्या दी कि जो तक बच्चों के कोलों की माँ है, माँ का जरा सिर पर हाथ है, तद तक बच्चों को किसी किसी का कोई डर या चिंता नहीं होंगी। ठीक है, तुम्हें मुहावरा भी कराया ना, बच्चे अपने माता पिता के सिर पर जो उड़ते फिरते हैं हौसला होंगे। ठीक है, भाव कि बच्चों अपने माता पिता के सिर पर ही हौसला होंगे। क्लियर है बेटा इस लैसन? ठीक है जी, आ जाएगा सब तो व्डा पैसा अगर कहड़ा है तो आप कहेंगे जरनैली सड़क क्यों है, फिर आप लिख देंगे इतने राशियां का, पठाना का, परदेसियां का आना जाना सी, ते किसे दे साथ तो बिना सड़क पार करना औखा सी। फिर बेटा जी आ जाएगा नरक ते स्वर्ग की नु किया है, नरक जरनैली सड़क ते मदरसे नु किया है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ते स्वर्ग घेरना दे खेत नु किया है। ठीक है, फिर बेटा जो ना आ जाए लेखक ते उसकी भैन ने सड़क किस तरह पार की, फिर सारा दसना है। पहला उन्होंने जेड़ा कि लेखक की भैन ने राजा रानी वाली कहानी सुनाई, ठीक है, फिर भी उन्होंने डर दूर ना होया। फिर उन्होंने बेटा वाहगुरु वाहगुरु का नाम लेना शुरू किया। ठीक है, पर फिर उन्होंने कहा कि वाहगुरु तो भूतरे डरते हैं इंसान नहीं, फिर भी उन्होंने डर दूर ना होया। अखीर से बेटा उन्होंने प्रेमी के न्याणे कह के सड़क पार कर लो। ठीक है बेटा, वन मार्क्स क्वेश्चन आगे तो मैं सारे दस दिए है। तो बेटा वो कि दिनों की गल है, सियाल के वन मार्क्स क्वेश्चन भी है, ये कदों की कहानी है, सियाल के दिनों की कहानी है, सर्दी की कहानी सुना रहे, सर्दी के टाइम की, किन्ने साल पहला दी, 20 साल पहला दी, लेखक किन्ने साल का सी, 7, भैन उसकी 11। ठीक है, रोटी किनू पड़ा जाना पैंता सी, खेतों के पिता के कामियां, भैंसागर किनू किया है जरनैली सड़क में, ते सब तो व्डा नरक आ जाए तो की है मदरसा। वैसे नरक आ जाए जरनैली सड़क सब तो व्डा आ जाए तो मदरसा, ते स्वर्ग खेड़ना ते खेत। ठीक है, कहानी विचले राजा रानी कौन सन, उन्होंने किस वांग लगते सन, अपने माता पिता वांग लगते सन, किस वांग लगते सन, राजा रानी अपने माता पिता वांग लगते सन। लेखक के अनुसार वाहगुरु तो कौन डरते हैं, वाहगुरु तो भूत प्रेत डरते हैं। लेखक के उसकी भैन ने की कह के सड़क पार की सी, अखीर दिन प्रेमी के न्याणे कह के सड़क पार कर दी। समझ लगी बेटा चैप्टर? क्लियर है सारू? अच्छी तरह कोई डाउट हो बेटा देन प्लीज रेज योर हैंड। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा असं ग्रामर करांगे। ठीक है, ग्रामर के अखाण आने, समानार्थक, वाक वटांदरा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा असं करांगे वाक वटांदरा। ठीक है, अखाण ते समानार्थक दोनों करवा देंगे। ठीक है, अखाण सिर्फ 10 ही आने हैं। ठीक है, अखाण कितने आने, सिर्फ 10। ठीक है, इस अखाण का अर्थ दसो, या ये अखाण किस मौके ते वरत्या जाता है उस बारे तुसी दसना होगा। ठीक है, भाव कि सिर्फ अर्थ ही लिखना है, तुसी उहदा बेटा सेंटेंस नहीं बनाना। ठीक है, पहला असं अखाण करांगे पेज नंबर 157। फर्स्ट है, वो केड़ी गली जिथे भागो नहीं खली। ठीक है, वो केड़ी गली, भाव की वो केड़ी जगह नहीं कोई इंसान दिखाई ना दे, वो केड़ी गली जिथे भागो नहीं खली। बेटा इस अखाण की वरतों उस मौके से की जाती है जदों दसना आवे कि कोई इंसान कोई बंदा हर जगह मौजूद होवे, हर जगह दिखाई दे। ठीक है, वो केड़ी गली जिथे भागो नहीं खली, भाव की इस अखाण की वरतों उदों की जाती है जदों दसना आवे कोई एक बंदा हर जगह ही दिखाई दे। तो दसिया ना, ठीक है, जिम्मे मैं मोहन नु देखिया या किसी ने भी देखिया कि वह गली के बाहर भी घूम रहा सी, मैं घर गया उत्थे भी सी। ठीक है, हर जगह ही वह दिखाई दे। नेक्स्ट है, वो दिन डूबा जो घोड़ी चढ़िया कूबा, भाव कि किसी निकम्मे, ठीक है, जिन्हें कोई काम करना ही नहीं, ठीक है, किसी निकम्मे आदमी को किसी काम की उम्मीद नहीं की जा सकती, भाव कि सानू पता उन्हें काम तो करना ही नहीं, फिर भी असं उन्होंने जो कहोंगे तू मेरा एक काम कर दे, ठीक है, उन्हें बिल्कुल ही नहीं करना क्योंकि कोई निकम्मा है, भाव कि उन्हें कोई काम करना ही नहीं। ठीक है, वो दिन डूबा जो घोड़ी चढ़िया कूबा, भाव कि किसी निकम्मे आदमी को किसी भी काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। थर्ड है,
उल्टा चोर कोतवाल नू डांटे, कसूरवार जिहड़ा हैगा जिहने गलती कीती उह बेकसूर नू डांटे। ठीक है, कसूरवार दा बेकसूरवार नू डांटना। नेक्स्ट है उच्ची दुकान फिक्का पकवान, उच्ची दुकान है भाव कि बाहरों दिखावट है, उच्ची दुकान फिक्का पकवान जिहड़ा कि बाहरों बहुत वधिया दिखाई दे रही है पर अंदरों कुछ भी नहीं है। उच्ची दुकान फीका पकवान, बाहरों दिखावट होनी पर अंदरों कुछ भी ना होना। नेक्स्ट है ऊठ ना कुदे बोते गुदे, ऊठ ना कुदे ना मिनी है भाव कि किसी चीज का असली हकदार दा चुप है, वो कुछ कह नहीं रहा, उसकी चीज खराब हो गई पर दूसरा एवं बोली जा रहा है। ठीक है, ऊठ ना कुदे बोते गुदे किसी चीज का बेटा असली हकदार दा चुप है, दूसरा एवं ही ज्यादा रोला पाई जा रहा है। नेक्स्ट है अन्या विचो काना राजा, ना लायका विचो थोड़ा या लायक। ठीक है, उधर नलायक ही है पर थोड़ा या लायक है, चलो थोड़ा बहुत काम कर लेता है, ना लायका विचो थोड़ा लायक। नेक्स्ट है अखी वेख के मक्खी निकल नहीं हुंदी, भाव कि बेटा जानबूझ के आपा नुकसान बर्दाश्त कर रहे, सदे सानू पता है साडे सामने वो साडा नुकसान कर रहा है, ठीक है असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। ठीक है, अखी वेख के मक्खी निगल नहीं हुंदी भाव कि जानबूझ के नुकसान बर्दाश्त नहीं हुंदा। नेक्स्ट है आप कुचज्जी, कुचज्जी मतलब है जिहड़ा माड़े काम करे, कुचज्जी मैं तुहानू वीडियो वो भी करवाया बेटा अगेतर, आप कुचज्जी भाव कि आप नूं तां चंगा काम आंदा ही नहीं पर दोष दूसरे नूं देना, आप कुचज्जी वेड़े नूं दोष भाव कि काम आप नूं ना करना आना ते दोष दूसरे नूं देना। नेक्स्ट है अपना निगर पराया टिगर, अपना निगर भाव कि दूसरियां दे मुकाबले बेटा हर कोई अपनी चीज की प्रशंसा करता है, हर किसी ने दूसरियां दे मुकाबले अपनी चीज ही वधिया लगती हुंदा ना बेटा इस टाइम। ठीक है, आपां कहने हैं नहीं मेरी वधिया है, चाहे सानूं पता भी उस इंसान ज्यादा अच्छा लिखिया उहने। ठीक है, दूसरियां दे मुकाबले अपनी चीज ही ज्यादा वधिया लगती है। एक पन दो काज, ठीक है काम एक किया फल उहदा दुगना मिल जाना, जिवें असीं आपां दरबार साहिब गए हां किसी काम दे लई अपने बिजनेस लई या जॉब दे लई, ठीक है आपां उत्थे अपना काम भी कर लिया ते दरबार साहिब मत्था भी टेक लिया। ठीक है, एक पन दो काज भाव कि असीं जिहड़ा कि काम एक कीता ते उहदा जिहड़ा कि सानूं लाभ जिहड़ा कि डबल मिल गया, दुगना मिल गया। ठीक है बेटा, हुण नेक्स्ट बेटा असीं करांगे समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द बेटा, समानार्थक दा मीनिंग है भाव कि एक शब्द दे जिहड़ा कि सेम मीनिंग निकल रहे हो। समानार्थक शब्द डिवाइस करांगे पेज नंबर 96-97। ठीक है, समानार्थक की बेटा जदों बेटा एक शब्द दे समान अर्थ रख दे दो या तीन तीन शब्द जिहड़ा कि होर हो। मैं फर्स्ट है बेटा उस्ताद, ठीक है उस्ताद दा की मतलब हुंदा, किसी दी प्रेज करनी प्रशंसा करनी। ठीक है, उस्ताद करनी किसी प्रशंसा करनी वडियाई करनी। ठीक है, प्रशंसा वडियाई उपमा करनी प्रेज करनी। सेकेंड है उस्ताद, उस्ताद शब्द आपां गुरु लई वरतदे हां, उस्ताद है आ काम दे विच अध्यापक। ठीक है, उस्ताद मतलब अध्यापक, गुरु या शिक्षक, शिक्षक मतलब जो पढ़ाने वाला। ठीक है, अध्यापक गुरु ते शिक्षक। नेक्स्ट है उचित, आपां कहने ना उचित है ठीक है मतलब, ठीक है जो तुसीं कह रहे हो ठीक है उचित है। ठीक है, उचित ठीक योग, ठीक है उचित ठीक योग ढुकवां है या अनुकूल है। ठीक है, भाव की सेम मीनिंग है इन्होंने। नेक्स्ट है उजड़, उजड़ मतलब मूर्ख है। ठीक है, बिल्कुल अकल नहीं है। ठीक है, उजड़ है मूर्ख है गवार है। ठीक है, उजड़ मतलब मूर्ख गवार या अक्खड़। नेक्स्ट है उत्तम, जब कहने अति उत्तम बहुत वधिया, उत्तम वधिया श्रेष्ठ। ठीक है, वधिया श्रेष्ठ या चंगा। नेक्स्ट है उजाला, ठीक है उजाला एक उजाला है एक उज्जवल वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना है उजाला दे उज्जल विच है, विरोधी शब्द विच भी गया। ठीक है, उजाला दा मीनिंग हुंदा है बेटा रोशनी प्रकाश। ठीक है, उज्जल दा मीनिंग हुंदा है साफ। ठीक है, जदों उजाला आ जाएगा, ठीक है आपां उजाला नूं आपां खिंच लैंदे हां रोशनी विच। ठीक है, ते उजला नूं लैंदे हां साफ विच। ठीक है, उजला नूं खिंच लैंदे हां आपां साफ विच। ठीक है, विरोधी शब्द विच भी है वर्ड है उजाला मतलब रोशनी प्रकाश। ठीक है, चानन। नेक्स्ट है उज्जल,
उज्जल मतलब साफ है, निर्मल पवित्र, उज्जल साफ निर्मल पवित्र। नेक्स्ट है उपकार करना, ठीक है, उपकार आप कहते हैं नेकी करनी, किसकी भलाई करनी, उपकार नेकी भलाई, ठीक है, या मेहरबानी। नेक्स्ट है उल्टा, उल्टी है चीज, पुठ्ठा, ठीक है, उल्टा पुठ्ठा, विरुद्ध विपरीत मुद्दा। नेक्स्ट है ऊणा, ऊणा मतलब जरा थोड़ा या खाली, ठीक है, पूरा भरिया ना हो, ठीक है, ऊणा में थोड़ा या खाली है, ठीक है, ऊणा की अपूरण अधूरा, ठीक है, ऊणा मतलब अपूरण अधूरा या पोछा। नेक्स्ट है उमंग, उमंग का मीनिंग होता है इच्छा, ठीक है, उमंग भी है इच्छा है, कोई तांग है, ठीक है, कोई चाह है, चाह मतलब एड़े नाल पाना है, आहे नाल नहीं, ठीक है, उमंग इच्छा चाह तांग। नेक्स्ट है उग्गा, उग्गा की ये बड़ा प्रसिद्ध है, उग्गा प्रसिद्ध मशहूर, सिरमौर, सिरमौर ते मम्मे नु कनोड़ा, ठीक है, उग्गा है बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा मशहूर है, बड़ा सिरमौर है। नेक्स्ट है ओपरा, जिन्हों से जानते नहीं, ठीक है, ओपरा जिन्हों से जानते नहीं, ओपरा बेगाना पराया अजनबी, ठीक है, ओपरा बेगाना पराया अजनबी। नेक्स्ट है उद्यमी, बड़ा उद्यमी है, बड़ा हिम्मती है, उत्साही है, ठीक है, काम करने दे भी उत्साह दिखाता है, उद्यमी हिम्मती उत्साही, कर्मशील, कर्मशील मतलब काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है, उद्यमी मतलब जरा हिम्मत करे, हिम्मती उत्साही, काम विच उत्साह दिखावे, जोश दिखावे, ठीक है, कर्मशील। नेक्स्ट है उन्नति, उन्नति करना मतलब तरक्की करना, उन्नति तरक्की विकास, ठीक है, उन्नति तरक्की विकास या सरगर्म। क्लियर है 1 to 15 तुझे ये लर्न करने हैं, ठीक है, रिवीजन टेस्ट ले भी एग्जाम दे ले भी, क्लियर बेटा। नेक्स्ट आप करेंगे वाक वटांदरा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वाक वटांदरा, वाक वटांदरा भी दसवीं से तुम हाँ तो नावाचक, ठीक है, एक तो हाँ तो या ना तो हाँ, एक प्रश्निक वाक, ते थर्ड सी संयुक्त वाक, वो तो इजी है, पर संयुक्त वाक कर लेने बेटा, ठीक है, दसवीं आज ना जब संयुक्त वाक बना रहे हैं उदो बना लग गया तुझे समान योजक वाले शब्द लगाने हैं, ठीक है, चाहे तुझे पेपर दे भी चाहेगा साइड पे पेंसिल लिखना भी है ना, वर्ड विच लिखाना है समान योजक के लिए केड़े वर्ड है पा, अते पर परंतु ना केवल सगों चाहे, ठीक है, अते पर परंतु ना केवल सगों चाहे भावे ते बी शब्द लगाने हैं, ठीक है, बी तो दसी कितने लगना है, ठीक है, बी भी दसा कितने लगना है, जदो बेटा दोनों चीजा, ठीक है, ना केवल ते सगो कितने लगता है, जो दोनों चीजा अच्छी गुड हो जिमें पढ़ता भी वधिया है लिखता भी वधिया है, ठीक है, दोनों अच्छी पढ़ना लिखना दोनों च अच्छी हो गई ना, ठीक है, ओ कि फिर की लिखांगे, ओ ना केवल पढ़ता वधिया है सगो लिखता भी वधिया है, जो दोनों चीजा प्लस पॉइंट हो फिर अपन ना केवल ते सगो लगाने हैं, जो प्लस पॉइंट हो नैगेटिव हो जिमें ओ गरीब हुंदिया होया भी बड़ा दयावान है, ठीक है, गरीब होना लिए अच्छी गल नहीं पर दयावान होना अच्छी गल है, ठीक है, उदो आप केड़ा शब्द लगाने हैं पर या परंतु, जो दोनों प्लस पॉइंट है याद रखो ना केवल सगो दोनों अच्छी चीजा आई है सेंटेंस विच, ठीक है, जो एक प्लस पॉइंट एक नैगेटिव पॉइंट भाव की वह गरीब हुंदिया होया भी दयालु है, ठीक है, फिर आप लिखांगे ओ ओहो गरीब है पर दयालु है, फिर उदो ना केवल ही लगेगा, ठीक है, वो गरीब है पर दयालु है, इन्हों शब्दों विचों ही तुसी शब्द लगाने हैं जो समान योजक संयुक्त वाक आएगा, ठीक है, जो भी संयुक्त वाक आएगा इन्हों विचों ही लगाने हैं, क्लियर है बेटा, तुसी शब्द याद कर लिया, अते पर परंतु ना केवल सगो चाहे फिर भी, तुहाडे दोहां विचों कोई नाम लै जाए, दो दो व्यक्ति पर चीज इको ही है, दो व्यक्ति है चीज इको ही है, फिर की आएगा बेटा चाहे, ठीक है, जब भावे चाहे तुसी इनाम लै जाओ चाहे वो इनाम लै जाए, ठीक है, चाहे तुसी लै जाओ चाहे वो
ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਵੇ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 40 ਮਿੰਟ 5, ਠੀਕ ਹੈ, 5 o'clock ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ ਬੇਟਾ।